अस्सलामुअलैकुम, इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं चकवाल से। रेस्क्यू 1122 की टीम ने बोरिंग में फंसा 2 साल बच्चा जिंदा सलामत निकाल लिया। तफसीलात के मुताबिक बच्चा खेलते हुए बोर में गिर गया। रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम में इतला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और 20 मिनट के कामयाब ऑपरेशन के बाद बाहर निकाल लिया। लोगों ने रेस्क्यू टीम को शानदार पेशावराना महारत पर जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के वर्सा उनकी जान के दुश्मन बन गए, जान से मारने की धमकियां देने लगे। शिकारपुर के रहने वाले लड़के और लड़की ने जैकबाबाद की अदालत में निकाह किया। जोड़े की मीडिया के जरिए हुकूमत से तहफ्फुज़ फराहम करने की अपील। असिस्टेंट कमिश्नर मियां चनूर राबिया सियाल की नाजायज तजावजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानदारों को जुर्माने किए और सामान तहवील में ले लिया। बल्दिया का अमला भी असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा था। इलाहाबाद में रबीउल अव्वल के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हजवेरिया मोहल्ला इस्लामपुरा में मुनक्किद हुई, जिसका आगाज सलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। बाद में उलमा इकराम ने खिताब किए और लोगों को दीन की तालीमात को आम करने पर जोर दिया। थाना इलाहाबाद के SHO हाफिज यासर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पतोकी के इलाके फूल नगर में मुल्तान रोड पर हलीफ फैक्ट्री के करीब पिकअप गाड़ी और रिक्शा में तसादुम, जिसके नतीजे में खवातीन और बच्चे शदीद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV बिलाल लतीफ से। जी बिल्कुल, पतोगी के इलाके फूल नगर में मुल्तान रोड हाली फैक्ट्री के करीब खतरनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें पतोगी से फूल नगर आते हुए सुजुकी वैन पिकअप की रिक्शा को जोरदार टक्कर, जिसके नतीजा में रिक्शा में सवार 3 खवातीन और 2 बच्चों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए तिबी इमदाद के बाद रेस्क्यू 1122 की टीम ने ट्रामा सेंटर फूल नगर कर दिया, जबकि वैन पिकअप का ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जी खबर शामिल करते हैं नवाब वली मोहम्मद से। 1 करोड़ रुपए की लागत से लगाया जाने वाला ड्रेन सिस्टम लंबा अरसा गुजरने के बावजूद ताहाल मुकम्मल ना हो सका। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की रिवायती सुस्ती की वजह से शहरी अजियत का शिकार हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV यूसुफ रिंद से। आपको बताता चलूं, नवाब वली शहर का जो ड्रेनेज स्कीम है अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से ये मंजूर हुई थी, पर अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक ये ड्रेनेज स्कीम मंजूर नहीं हुई है। इस ड्रेनेज स्कीम में मुख्तलिफ गलियों की सीसी थी और उनके अलावा इस जो पीछे आप देख रहे हैं गंदे पानी की तलाश, उनको मजबूत करना था, उनको पक्का करना था, पर अभी तक ये पक्के नहीं हुए क्योंकि ठेकेदार की रवायती सुस्ती की वजह से ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मंजूर हुआ था। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक ये काम सुस्त रफ्तारी का शिकार है। अभी तक ये काम मनसूबा मुकम्मल नहीं हुआ। तकरीबन काफ़ी अरसा गुजर चुका है जिसके बाद जिसकी वजह से शहरी सख्त परेशान है। शहरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है DCO नवाबशाह से किस मामले का नोटिस लें और जल्द से जल्द ड्रेनेज स्कीम का काम मुकम्मल कराया जाए। जी शहदादकोट के अवाम डाकुओं के रहमो करम पर, डकैतियां रोज बरोज का मामूल बन गई। नए तैनात होने वाले SSP सुमेर नूर जराइम पेशा अफराद और डाकुओं की पुश्त पनाही करने लगे। अवाम डकैती के खिलाफ मुकदमा करवाने जाते हैं तो SSP मुतलका थाने की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने से भी रोक देते हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात देख लेते हैं नुमाइंदा A1 TV जानजेब सोमरो की इस रिपोर्ट में। जी शहदादकोट की अवाम का तो अल्लाह ही भला करे, जब से SSP सुमेर नूर चन्ना ने चार्ज लिए तब से शहर में बदअमनी इतनी बढ़ गई है कि शहरी शहर छोड़ जाने और किसी और शहर में बसने के लिए सोच रहे हैं। आए रोज़ दुकानों में डाके, स्ट्रीट क्राइम और कई लोग तो जान से भी हाथ धो बैठे हैं। रहवासियों का कहना है कि जब से SSP ने चार्ज ली है हमारा जीना इस शहर में मुश्किल हो गया है। ये SSP इतना नाल है कि कई थानों पे SSHO को रखा है जिन पे FIR दर्ज है, और शहर में अगर 2 ग्रुपों में झगड़ा हो जाता है तो FIR उस ग्रुप की होती है जिसका सियासी असर रसूख हो, फिर चाहे वो नाहक पे ही क्यों ना हो। और FIR जो थाने का हेड मोहर काटता है और कानूनी तरह भी हक हेड मोहर का है, उसमें थाने के SHO और हेड मोहर को सख्ती से कहा है कि FIR मेरे हुक्म के बिना दर्ज हुई तो आपकी खैर नहीं। और करप्ट इतना है कि हर थाने के SHO और हेड मोहर से मंथली लाखों रुपए लेता है। और इतनी खबर भी मिली है कि शहदादकोट के पीपल्स पार्टी MPA नादर मक्सी ने वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से कहकर इसकी पोस्टिंग
यहाँ करवाइए। SSP साहब, MPA नादर मक्सी के हुक्म का इतना पाबंद है कि जैसे थाने का हेड मोहरर इसके हुक्म का पाबंद है। कारोबारी शख्सियात का कहना है कि जल्द से जल्द इस नाहल SSP से हमारी जान छुड़ाई जाए। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के सदर सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी की 61वीं जन्मदिन के मौके पर फंक्शनल लीग हाउस सक्कर में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सैयद सदरुद्दीन शाह राशिदी के 61वीं जन्मदिन पर 61 पाउंड का केक काटा गया और शानदार आतिशबाजी भी की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल सिंध के रहनुमा और जिला सक्कर के सदर सैयद शफकत अली शाह थे। कारकुनान की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। डायरेक्टर जनरल महकमा फिशरी पंजाब डॉक्टर सिकंदर हयात का दरियाए सतलुज पर हेड सुलेमान की का खसूसी दौरा। इस दौरे के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा A1 TV शाहिद सईद वट्टू से। जी शाहिद, आगाह कीजिएगा, डॉक्टर सिकंदर का दौरा किस हवाले से था? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका दरियाए सतलुज हेड सुलेमान की पर, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DG फिशरी साहब। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि उन का आज इधर एक खसूसी विज़िट है, और वो अपने विज़िट के हवाले से बताएं कि वो किस हवाले से उनका विज़िट है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब फिशरीज़ डिपार्टमेंट जो है वो पूरी एफर्ट्स कर रहा है कि हमारे जो रिवर्स हैं इनमें मछली को सस्टेनेबल रखा जा सके, और इसी हवाले से यहाँ इस एरिए में हम एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं। वहाँ हम मछली मुख्तलिफ जो मछलियाँ हैं उनकी आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाएंगे। ब्रीडिंग करवा के तो दरियाओं में बच्चा जो है वो छोड़ा जाएगा। उसके बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि क्योंकि हमारे दरियाओं में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी ब्रीडिंग साइट्स हैं वो बुरी तरह अफेक्ट हुई हैं फिशेज़ की, तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ जो ऐसी स्पीशीज़ भी हैं जो यहाँ से बिल्कुल गायब हो रही हैं, तो अब उनको उन स्पीशीज़ को हमने आर्टिफिशियली ब्रीड करवाना है। ब्रीड करवाने के बाद हम दोबारा इन्हीं दरियाओं में जो है उनको डाल के और इन अपनी जो पॉपुलेशन है फिश की उसको हमने सस्टेनेबल करना है। तो आज का विज़िट हमारे इसी हवाले से है कि कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फिश बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं, और उसके लिए हमने 2-3 यहाँ साइट्स देखी हैं जहाँ हम जो है ना फिश हेचरी जो है इस्टेब्लिश कर सकें, और हमें जो ही कोई अच्छी साइट मिल जाती है तो इंशाल्लाह हम यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करेंगे। इससे ना सिर्फ हमारे जो दरियाओं की मछली है वो सस्टेनेबल होगी बल्कि लोगों को, बेरोज़गारों को रोज़गार मिलेगा। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उससे इस इलाके के जो फार्मर्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन हम करेंगे, फार्मिंग को भी, और यहाँ से मछली की प्रोडक्शन चाहे वो कुदरती पानियों से हो या फिश फार्म से हो उसको भी यानी कि हम बढ़ाएंगे इस प्रोजेक्ट के ज़रिए। और प्लस ये है कि लोकल लोग जो हैं उनमें फ़िश प्रोडक्शन की अवेयरनेस भी हम जो है ना वो डेवलप करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो कसूर का एरिया है वहाँ से दरियाए सतलुज में गंदे नालों का पानी और फैक्ट्रियों का पानी छोड़ा जाता है, तो उससे भी मछली जो है उसका बच्चा मुतासर होता है बल्कि नस्ल कशी होती है, उस हवाले से सर आप क्या इकदाम कर रहे हैं? इसमें फ़िलहाल तो ये है कि ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम उनके साथ इंशाल्लाह आन करीब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ MOU साइन हो जाए और बिल्कुल जो पानी दरियाओं में जो है ये फ़िल्टर होने के बाद आए, उसके ट्रीटमेंट होने के बाद आए। और इसके अलावा हमारा प्लान जो फिशरीज डिपार्टमेंट का अपना प्लान है कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन एक्ट जो है वो हम इंशाल्लाह ये डेवलप करके तो वो हम पास करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाली नस्लें जो हैं उनको ये दरिया जो है वो साफ़ सुथरे मिले। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डायरेक्टर फिशरी डॉक्टर सिकंदर हयात साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि हम इधर एक प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं जिससे फिश की अफजाइश होगी और वही बच्चा जो है दरियाओं में छोड़ा जाएगा और यहाँ के मकामी लोगों को रोजगार मुयसर होगा। शहद सईद वट्टू, A1 TV, हवेली लखा। शुक्रिया शाहिद आगाह करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के खसूसी अहकामात पर बल्दियाती इदारों की बहाली के बाद म्यूनिसिपल कमेटी मानावाला में आज बल्दियाती नुमाइंदों का पहला इजलास मुनक्किद हुआ। मज़ीद तफसीलात देखते हैं इकराम अली की इस रिपोर्ट में। जी, मानावाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खसूसी अहकामात जारी होने के बाद म्यूनिसिपल कमेटी में आज पहला इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत कायम मकाम चेयरमैन मलक सलीम जरगर ने की।
जिसका बकायदा आगाज तलावते कुरान पाक से शुरू किया गया। इस मौके पर काउंसलर इंतजार अहमद भट्टी, राना जहद सलीम, मलक गुलजार अहमद, राना बाबा नासर मियां मोहम्मद जहीर समेत दीगर अराकीन ने भरपूर शिरकत की और शहर में ट्रैफिक हादसात को रोकने और खसूसन रिक्शा स्टैंड बनाने पर गौर किया गया। जबकि फैसल टाउन में सीवरेज के निजाम में बेहतरी लाने के लिए काउंसलर मियां जहीर ने चेयरमैन मलक सलीम को दरख्वास्त भी पेश की। इसके अलावा शहर में नजायज तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर तमाम अराकीन ने इतफाक भी किया। इस मौका पर सीओ मियां उस्मान ने खसूसी अशाया पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानब से बल्दियाती निजाम बहाल होने पर तमाम अराकीन को मुबारकबाद पेश। कराम अली, नुमाइंदा A1 TV, मानावाला। शिकारपुर में नेशनल पीपल्स पार्टी सिंध के सदर साबका MNA डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि कश्मोर, जैकबाबाद, लाड़काना, शहदादकोट समेत सिंध के दीगर इजला में तनाजात में रोजाना की बुनियाद पर लोगों का खून बह रहा है। जाती तनाजात की भेंट चढ़कर बच्चों ने तालीम छोड़कर अपनी जिंदगी बचाने के लिए असलहा उठा लिया है। उनका मजीद कहना था, असलहे की स्मगलिंग रोकने के लिए सिंध पुलिस और दूसरे इदारे नाकाम हो गए हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत के आला हुकाम से मुतालबा किया कि जाती तनाजात पर पुलिस और दीगर इदारे इन तनाजात को खत्म करने के लिए अपना किरदार अदा करें। जिला चिन्योट की निजी कॉलेज की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ओल्ड होम में खाना मुहैया किया जाने लगा। जिला चिन्योट के निजी कॉलेज की जानिब से रोजाना की बुनियाद पर ओल्ड होम में खाना मुहैया किया जाने लगा। साहिबान जीफा की मैनेजमेंट और वहां पर मौजूद बुजुर्गों ने शुक्रिया अदा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं अदील जहांगीर की इस रिपोर्ट में। साहिबान जीफा ओल्ड होम में और यहाँ पर चिन्योट के किम्स कॉलेज की जानिब से यहाँ पर जो है दो वक्त का खाना जो है यहाँ पर डेली की बुनियाद पर यहाँ पर मुहैया किया जाएगा। और आज के दिन के हवाले सैयद नूरुल हसन शाह साहब जो कि समाजी चिरियोट के रहनुमा हैं, इनकी सरबराही में आज ये खाना लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इस हवाले से इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे। सर बिल्कुल जी, बहुत बहुत ये खिदमत खलक है और ये इससे अल्लाह की ज़ात भी बहुत खुश होती है। इस हवाले से क्या कहेंगे और ये जो खाना आप लेके आए हैं क्या ये डेली की बुनियाद रोजाना बुनियाद पर यहाँ पर मुहैया की जाएगा? जी ये एक तो खैर उन्नास मैन और नास तो साहिबान ज़ईफ़ा जो मोहतरमा एजाज फरजाना लाली की ज़ेर सरपरस्ती चल रहा है, तो हमारे किम्स कॉलेज के प्रिंसिपल मोहतरम एजाज अली भैंस साहब की तरफ से इनके मुतालबे पर कि यहाँ दो वक्त का खाना लावारिस और ज़ईफ़ अफराद को यहाँ मुहैया किया जाए ताकि वो दो वक्त अपने पेट की जो है भूख को मिटा सके। कि आपने मैडम याद फरजाना लाली की बात सुनी कि यहाँ पर जो है सैयद नूरुल हसन शाह साहब का बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा किया गया और साथ साथ किम्स कॉलेज के जो सरबराह हैं बैंस साहब उनकी जानब से यहाँ पर जो है डेली की बुनियाद पर जो है वो खाना मुहैया किया जाएगा। जी खबर शामिल करते हैं चमन से, जहां चमन बॉर्डर बंदिश के खिलाफ आज चमन शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल जारी है। अंजुमन ताजरान की जानिब से हड़ताल के बाइस चमन शहर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें और दुकानें बंद हैं। शहर में हर किस्म की तजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कामोंकी से, जहां साधोगी के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रैफिक हादसे में ट्रक और मोटरसाइकिल के तसादुम में दो बहन भाई जान बहक हो गए। जांबहक होने वालों में 20 साल अजीम और 22 साल साले बीबी शामिल हैं। दोनों की लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिर में खबर शामिल करते हैं चकवाल से, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम का शहर में फ्रूट मंडी का अचानक दौरा। फलों की बोली का जायजा लिया और फ्रूट मंडी में लाए गए फलों की क्वालिटी को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर चकवाल और फ्रूट मंडी की इंतजामी अमला के अरकान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर उनका कहना था कि अवामुन्नास को मियारी फलों की सस्ते निरखों पर फराहमी के लिए फ्रूट मंडी के अचानक मुआयने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जबकि मार्केट में दीगर अशियाए जरूरिया की कीमतें, क्वालिटी और दस्तियाबी को भी रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जा रहा है। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1 TV।